T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले हमें दो और सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें पहली सीरीज होगी 3 T20 मुकाबलों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और दूसरी सीरीज होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मुकाबलों की सीरीज। और ऐसे में जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमें सीरीज देखने को मिलने वाली है, दोनों में ही संजू सैमसन को भारत की टीम में जगह नहीं दी गई है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में उनका ना होना तो सेंस बनाता है, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है उसमें उन प्लेयर्स को ज्यादातर शामिल किया गया है जो कि भारत की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं होने वाले, और एक तरीके से इसके लिए जो भारत की टीम का चयन किया गया है इसको भारत की बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत की जो ए टीम है जो कि अभी खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप, वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेलेंगे और उसके बाद वो वर्ल्ड कप के लिए निकल जाएंगे। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भारत की बी टीम खेलेगी जो कि कंसिडरेशन में रहती है टीम में सिलेक्शन के। लेकिन हैरानी की बात यह कि संजू सैमसन को इस सीरीज के लिए भी कंसिडर नहीं किया गया, जिसके बाद काफी ज्यादा ट्वीट्स और काफी ज्यादा चीजें सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के द्वारा देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों का मानना है कि संजू सैमसन के साथ बीसीसीआई के द्वारा काफी ज्यादा नाइंसाफी की जा रही है, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी और मिडिल ऑर्डर में काफी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी करने के बावजूद भी संजू सैमसन को बीसीसीआई के द्वारा इवन बी टीम में भी कंसिडर नहीं किया गया है। और फैंस का मानना है कि इस तरीके के बिहेवियर के लिए संजू सैमसन को बीसीसीआई से बात करनी चाहिए, और अगर ऐसा ही रहता है तो फिर उनको उनसे सही में पूछना चाहिए कि आखिर बीसीसीआई को संजू सैमसन से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरीके से उनके सिलेक्शन ना करने से बीसीसीआई की टीम संजू सैमसन के करियर के ऊपर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रही है, जिससे जल्दी ही वो रिटायरमेंट वाली फेज में जा सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।